दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है करियर काउच विद शुभांकर। आज रविवार है और आज सुबह सुबह कुछ लोग हम में से शायद लखनऊ रन मैराथन का हिस्सा बन के आए हैं। जो होके आए हैं, मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आज आपने अपने अच्छे स्वास्थ्य की तरफ एक कदम बढ़ा दिया। तो दोस्तों, अब चलते हैं, बात करते हैं आज के एपिसोड के ऊपर। आज का जो एपिसोड है दोस्तों, हम उस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो इस समय सबसे हॉट टॉपिक है, यानी स्टार्टअप। हर कोई स्टार्टअप की बात कर रहा है, प्रधानमंत्री जी से लेके राज्य मंत्री तक, और आपके मुख्यमंत्री से लेके आपके कोई भी अधिकारी तक, हर कोई स्टार्टअप स्टार्टअप और स्टार्टअप के बारे में बात होती है। लेकिन क्या है ये स्टार्टअप? एक सोच हम लोग की है कि अगर हम कोई भी बिजनेस अपने से स्टार्ट कर देते हैं, उसको हम लोग स्टार्टअप कहने लग जाते हैं। अगर टेक्निकली देखा जाए, अगर डिक्शनरी के हिसाब से देखा जाए, तो शायद आप गलत नहीं है। लेकिन यहां जब हम स्टार्टअप हम अपने देश के हिसाब से बात करते हैं, या मोदी जी जिस स्टार्टअप को इंगित करते रहते हैं, वो कुछ और ही है। उसका मतलब यह है कि आपके जो आइडियाज हो वो बिल्कुल नए हो, आउट ऑफ द बॉक्स हो। आप कुछ समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं, या कुछ ऐसी नई चीज लेके आ रहे हैं जिसके माध्यम से उद्योग में कोई परिवर्तन आ सके, तो उसको स्टार्टअप कहा जाता है। और उस स्टार्टअप फैसिलिटीज के लिए अन्य और फैसिलिटीज उसके साथ जोड़ दी जाती है। देखते देखते साल दर साल स्टार्टअप के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, कई स्टार्टअप खुलते हैं, बंद भी हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं, क्या चैलेंजेस होती हैं, उन स्टार्टअप को क्या नहीं मिल पाती है, इन चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं। अब तो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ने भी अपने एक्सपर्ट्स रखने शुरू कर दिए, जो कि बाकायदा प्रॉपरली गाइडलाइंस देते हैं, गाइडेंस देते हैं साथ में, कि कैसे करके एक स्टार्टअप को सक्सेसफुल किया जा सके। तो दोस्तों, आज स्टूडियो में हमने एक ऐसी शख्सियत को बुलाया है जो एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, लेकिन आज के दिन में भारत में बहुत अच्छा कर रहा है। आप IPL से लेकर हर जगह उनका नाम सुन सकते हैं। जी हां, मैं MIT यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, ये जो शख्सियत है वो MIT यूनिवर्सिटी में ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, वहां की ई सेल की, यानी एंटरप्रेन्योरशिप सेल, और जो इनक्यूबेटर उन्होंने स्थापित किया है। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर मीरा सिंह से, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ई सेल एंड इनक्यूबेटर MIT यूनिवर्सिटी। डॉक्टर मीरा सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर काउच विद शुभांकर के इस प्लेटफॉर्म पर और हमारे इस चैनल प्राइम टीवी पर। नमस्कार डॉक्टर साहब, आप MIT यूनिवर्सिटी में, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है एंटरप्रेन्योरशिप सेल और वहाँ का जो इनक्यूबेटर जो बना हुआ है उसका, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा MIT का क्या प्रिंसिपल है। जब आप एक इनक्यूबेटर की बात करती हैं, ई सेल की बात कर रही हैं, इस समय MIT का प्रावधान क्या है इस पर? MIT की एक खास बात है कि उन्होंने बहुत पहले रेकग्नाइज किया कि इनक्यूबेटर का रोल क्या हो सकता है फ्यूचर में विथ स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो आउटसाइड पीपल, सो इट इज़ ओपन टू ऑल। और करीब 17 साल हो गए हैं नोएडा वाले कैंपस में इनक्यूबेटर खुले हुए, तो काफ़ी टाइम हो गया है जब और यूनिवर्सिटीज़ ये चीज़ नहीं समझ रही थी। लेकिन हम यहाँ पे ज्वाइन किए हैं 2017 में। 17 में हमने फिर शुरू किया इनक्यूबेटर, तो दे वर फ्यूचरिस्टिक इनफ टू रिकग्नाइज द नीड एंड दे ब्रॉट मी ऑन स्पेसिफिकली टू ओपन द न्यू इनक्यूबेटर। तो ये प्लान करके यही चीज़ करी है। मैम, मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, दरअसल मुझे जिस प्रश्न से शुरू करना चाहिए था, हाँ। तो पहले तो ये था कि आखिर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, हमारी यंग जनरेशन को बताएं, ये स्टार्टअप का परिभाषा नंबर एक, हाँ। दूसरा इनक्यूबेटर होता क्या है और उसका रोल क्या है? बिल्कुल, स्टार्टअप तो नई कंपनी जो शुरू होती है, नई नई है, यूजुअली द बैकग्राउंड इज कि उनके कोई फैमिली में बैकग्राउंड, बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है। नया नया बच्चे शुरू होते हैं, उनको नई आइडिया आती है एंड वी फोकस ऑन टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, हो सकता पुरानी बिजनेस हो, मान लीजिए ज्वेलरी की बिजनेस है जी। उनके परिवार में है जी।
ज्वेलरी की बिजनेस चलती है, लेकिन वो जिस तरीके से उसको सेल कर रहे हैं या जिस तरह से डिजाइनिंग कर रहे हैं, कोई चीज़ नई टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हो जाएगी। तो उस स्टार्टअप का ये हुआ कि नई कोई बात हो, यानी अगर वो बात ये नहीं है कि पुराना कोई बिजनेस है कि नहीं है, बिजनेस वो पुराना हो सकता है, वो पुराने इंडस्ट्री से हो सकता है, लेकिन कुछ नई टेक्नोलॉजी उसमें इस्तेमाल हो रही हो और उसको बढ़ाने के कुछ ऐसे आयाम दिख रहे हो जो कि उस नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से होगा, है ना? अब जैसे हमारा एक सबसे शुरू का स्टार्टअप है, तो उसने स्पा सर्विसेज में गया, लड़का स्पा सर्विस था, तो लेकिन उसने क्या किया, स्पा सर्विसेज एट होम प्रोवाइड करता है, तो वो कोई स्पा खोले नहीं है, कोई दुकान नहीं खोला है, बाद में खोल ली, लेकिन शुरू में कुछ नहीं। वो आप कॉल करिए, वेबसाइट बड़ी अच्छी थी, सब अपॉइंटमेंट्स कर लीजिए और वो घर पे आपके आके सर्विसेज देंगे, और बड़ी क्वालिटी सर्विसेज, डूइंग एक्सट्रीमली वेल। स्पा में तो बहुत हेवी मशीनरीज लगती हैं, वो जो आजकल जो चला है नीचे से सोना, वो पूरा लेके जाते हैं उस पे, उतना नहीं, लेकिन पेडिक्योर मैनिक्योर सब कर देते हैं, मसाज कर देते हैं, सब कुछ लेके आते हैं, अच्छा बड़ा बैग लेके आते हैं और सब कुछ करते हैं घर पे। तो ये तो हो गया मैम स्टार्टअप की बात। हाँ, तो फिर इसमें इंक्यूबेशन का रोल क्या है? तो इंक्यूबेशन का रोल कम्प्लीटली डिफरेंट। कई स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करने को होता है, जो आप छोटे बच्चे का इंक्यूबेटर होता था जी। कि तबीयत उतनी स्ट्रांग नहीं है, बच्चा है। जैसे प्री मेच्योर पैदा हो गए, कोई तबीयत खराब है, कुछ है, तो इंक्यूबेटर में रखे जाते थे। शीशे का होता था। यस एग्जैक्टली। सो ये बिजनेस इंक्यूबेटर आता वहीं से है, कॉन्सेप्ट वहीं से है। इसमें यह है कि बिजनेस इंक्यूबेटर वहाँ पे जब बच्चे की तरह ही छोटी बिजनेसेस, नई बिजनेसेस ये इंक्यूबेटर में आ जाती हैं, तो उनको प्रोटेक्शन रहता है, दे आर नॉट आउट इन द वर्ल्ड येट, पहले थोड़ा बचा के रहते हैं और हम लोग उनको पूरा प्रोटेक्शन देते हैं। ये करते हैं कि मार्केटिंग में हेल्प करेंगे, एडवाइस करेंगे, हर चीज़ में हेल्प करते हैं कि वो पहले स्ट्रांग हो जाएं, तब वो मार्केट में निकले। उस मार्केटिंग का जो आप हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें जो फंड होगी वो आपकी लगी होगी, वो सपोर्ट उनको अपने से कोई फंड नहीं लगाना पड़ेगा? नहीं, फंड वंड नहीं लगाना पड़ता है। वी टेक एन इक्विटी पोजीशन मोस्टली, तो उनकी कंपनी में इक्विटी ले लेते हैं, लेकिन अप फ्रंट हम उनको मौका देते हैं कि अपने को स्ट्रांग हो जाए वो, और वापस मार्केट में, क्योंकि कंपटीशन बहुत होता है मार्केट में, तो इतना सिंपल नहीं है सर्वाइव करना। और शुरू के 2-3 साल बहुत क्रिटिकल होते हैं, तो 2-3 साल वी प्रोवाइड देम द इंक्यूबेशन कि वो आराम से थोड़े से स्ट्रांग हो जाएं, फिर वो मार्केट में अपना अपनी पोजीशन खुद बना लेते हैं। तो मैम अगर हम, मैं जहाँ तक समझ पाया, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि इंक्यूबेटर का मतलब वही है, जैसे कि आपने बहुत ही नेसेंट ईयर्स में जब बच्चे को, जब आप देखते हैं बिल्कुल बच्चा नया नया जो बच्चा हुआ होता है, उसको जो है आप एक इंक्यूबेशन, एक छोटा सा केप चेंबर होता है उसमें रखा जाता है, जिसमें उसकी पूरी हेल्थ मॉनिटरिंग भी होती है, उसको जो प्रोवाइडेड जो जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है वो दिया जाता है, चाहे वो ऑक्सीजन हो और उसको रेस्ट, थोड़ा जो वार्म्थ होता है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं ताकि बच्चा जल्दी से जल्दी वो स्वस्थ हो सके और उसको फिर बाहरी दुनिया के काबिल बनाया जा सके। बिल्कुल सही बात है, इंक्यूबेटर इज सेम थिंग। लेकिन मैम मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे अभी आपने एक बात बताई कि हम इंक्यूबेशन का सपोर्ट जिनको दे रहे हैं उससे हम इक्विटी हम उनसे लेते हैं, तो जिससे आप इक्विटी ले रहे हैं तो क्या ये उनका डिसीजन होता है कि कितना इक्विटी आपको रिलीज करना है, निगोशिएट होता है कि ये आपने एक सेट परसेंटेज बना रखा है कि नहीं, इफ दिस इज द सेट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट तो हमारी इतनी इक्विटी तो होनी होनी है? नेगोशिएट होता है, लेकिन हम लोग मिनिमम रखते हैं क्योंकि वी आर ट्राइंग टू, हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, सो वी ट्राई कि हेल्प कर सकें बच्चों को, इंस्टेड ऑफ हम कोई प्रॉफिट मेकिंग, हमारा अंडरलाइनिंग प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, तो हम लोग हेल्प करने के लिए करते हैं, एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, उसमें हम इक्विटी लेते हैं, लेकिन वी कीप इट वेरी लो, 5% से कम। अच्छा, 5% से कम। हाँ, तो 1-2% से लेके 5 तक लेके मैक्सिमम 15%। 5-15%। हाँ, ओके। मैम एक चीज पूछना चाहूंगा कि जिनको आपने सपोर्ट दिया वो तो आपके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हुए, राइट? जी नहीं,
हम वी आर ओपन टू ऑल द इंक्यूबेटर इज ओपन टू ऑल इंक्यूबेटर इज ओपन रिगार्डलेस वेदर ही इज स्टार्टिंग विद योर यूनिवर्सिटी और नॉट यस इनफैक्ट इस समय हमारे पास अबाउट 33 स्टार्टअप्स हैं उसमें मुश्किल से 3-4 हमारे स्टूडेंट्स हैं ओके बाकी सब और वो भी पास स्टूडेंट्स हैं तो ये इंक्यूबेशन सपोर्ट आप लोग उनको अवधि क्या देते हैं टाइमिंग क्या देते हैं 3 to 5 years हाँ कंप्लीट सपोर्ट हाँ so that means if they don't have a particular point of presence यानी कोई अगर उनके पास कोई physical office नहीं है अगर ऐसा कुछ है तो वो क्या क्योंकि जैसे मैंने बैंगलोर में कुछ incubators मैंने देखे हैं जहाँ दोस्तों बाकायदा उनको offices provide किए जाते हैं वो लोग shared offices होती हैं उनके पास एक desk रहता है cubicle रहता है वहाँ से बेसिकली मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो IT एंड ITES से रिलेटेड स्टार्टअप में मैम जो IT और ITES के रिलेटेड सर्विसेज में यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसे भी आ रहे होंगे तो उनको भी क्या आप लोग ऐसा कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं सो वी हैव फिजिकल फैसिलिटी सब है ऑफिसेज हैं शेयर्ड ऑफिसेज लेकिन उसका अलग है अगर उसमें फिजिकल में आके बैठते क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं ये वर्क फ्रॉम होम काफी कल्चर हो गया है तो अ लॉट ऑफ देम प्रिफर अपने अलग से खुद ही ऑफिस या तो घर पे करते हैं या कहीं और ऑफिस कर रखे हैं सो व्हाट हैपेंस इज वी प्रोवाइड फिजिकल लेकिन अगर फिजिकल लेंगे वो तो वो फिजिकल का चार्जेस हैं तो पर सीट का चार्जेस होते हैं ओके तो ये आप लोग का फिर तो मंथली रेंट वाली बात है जी 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 तो उसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल किसी को सर्वर स्पेस चाहिए हाँ अब उस उनको आपने क्या पूरा वेबसाइट लॉन्च करने के लिए ये सारी फैसिलिटी सर्वर फैसिलिटी ये आप लोग अपने से मतलब कंप्लीटली प्रोवाइड कर रहे हैं क्या प्रोवाइड कर रहे हैं उस फिजिकल स्पेस में इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं ओके और ऑब्वियसली बिजली पानी ये सब तो रहता ही है लेकिन मैं एक चीज जानना चाहूंगा इनिशियल स्टेज में इसका मतलब ये हुआ मैं कहीं जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि ऑल इनक्यूबेटर्स आर नॉट अलाइक नंबर वन यस यानी कुछ इनक्यूबेटर्स कुछ प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं हाँ. अन्य इनक्यूबेटर्स कुछ लिमिटेड उस पर से सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं तो मैम मैं सॉरी मैं इस बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ इसमें आप ही हमें ज्यादा लाइट कर पाएंगी कि बेसिकली जो ITES जैसे सर्विसेज में आते हैं उनको जो मेजरली जरूरत पड़ता होगा जिसमें उनको खर्चा लगता है वो हो गया डोमेन स्पेस होस्टिंग सर्वर इन चीजों में उनका खर्चा कहीं ज्यादा आता है ना कि इंटरनेट आज के दिन में इंटरनेट इज समथिंग व्हिच इज वेरी चीप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल वो घर पे बैठे भी कर सकते हैं तो एज एन इनक्यूबेशन में उन सपोर्ट का जो रोल है वो बहुत लिमिटेड है लेकिन जो मेजर रोल इसमें से आ रहा है दैट इज जब वो थर्ड पार्टी सर्विसेज को खरीदते हैं सर्वर स्पेस ले रहे हैं या ये ले उसमें उनको ज्यादा हेल्प की जरूरत होती है उसमें फिर क्या MIT क्या प्रोवाइड कर रहा है उसमें तो नहीं कर रहे हैं अच्छा। लेकिन द पॉइंट ऑफ बीइंग इन अ वन फिजिकल स्पेस इज कि आपस में नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है देर आर अदर स्टार्टअप्स हु आर गोइंग थ्रू द सेम प्रॉब्लम सो इट इज इम्पोर्टेंट कि आपस में बातचीत करें एक ही तरह के चैलेंजेस हो सकते हैं दो तीन स्टार्टअप्स के तो वो जो कम्युनिटी एक होती है द होल आइडिया ऑफ इनक्यूबेटर इज यू शेयर योर experiences and your challenges right तो वो आपको incubator में मिलता है तो दोस्तों एक बात आप लोगों को समझ में आई कि जैसे हम लोग कहते हैं कि networking is very important अगर आप किसी business को grow करना चाहते हैं तो होता क्या है कि जब तक आप उस community में उठना बैठना नहीं शुरू करते those who are working under same profession या उनका आसपास के उसी डोमेन के आसपास के किसी बिजनेस से हों जब आप एक्सपीरियंसेस और चैलेंजेस शेयर करते हैं तो आपको मार्केट का जो एक्सपोजर होता है वो प्रिलिमिनरी मिल जाता है उसके लिए आपको मार्केट में कूदने की जरूरत नहीं पड़ती और जब आप घुसते हैं उस मार्केट में तो आप एक्सपीरियंसेस और प्रीवियस स्टोरीज के हेल्प सपोर्ट लेके घुसते हैं ये एक इंक्यूबेशन का बहुत बड़ा सपोर्ट है दोस्तों क्योंकि जब आप किसी नए बिजनेस में जाते हैं आप इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं लेकिन जब आपको पास एक्सपीरियंस किसी और के एक्सपीरियंस का सपोर्ट रहता है यू स्टैंड स्ट्रांग इन इट आप ऑलरेडी चैलेंजेस के लिए तैयार रहते हैं बहुत अच्छी बात कही मैम आपने तो इसका मतलब है कि जो नेटवर्क आप प्रोवाइड कर रहे हैं एक और बात रहती है उसमें मेंटर्स जो हमारे होते हैं वो इंडस्ट्री के लीडर्स होते हैं तो वेदर वो CA हैं वेदर वो लॉयर हैं जो कुछ भी जरूरत दे प्रोवाइड मेंटरिंग टू द स्टार्टअप्स तो वो एक्सपर्टीज जो मिलती है वो उसका कोई चार्ज नहीं होता है यानी ऑर्गेनाइजेशनल एंड लीगल सपोर्ट जो साथ में आप दे रहे हैं
यानी जैसे कि अगर आपको ट्रेडमार्क करना है, आपको उसकी जो लाइसेंसेस हासिल करनी है, या आपको अपनी बुक मेंटेन करनी है, उसकी भी सपोर्ट इन इनक्यूबेटर के माध्यम से आपको बहुत ही कम खर्चे में और नियमित तरीके से आपको मिल पा रही है। बहुत अच्छी बात कही मैम आपने। अब तक जो शो मैं देख रहा हूँ और जो मैं आपसे सुन पा रहा हूँ, मुझे बहुत उम्मीद लग रही है कि ये सुन के काफी नए स्टार्टअप्स को और भी ज्यादा से ज्यादा उनको प्रोत्साहन मिलेगा ऐसे स्टार्टअप्स को। तो मैम, जहां तक मुझे बात समझ में आई कि बेसिक सपोर्ट और एक्सपीरियंसेस ये तो आपने नेटवर्क के माध्यम से दे दिया, लेकिन मैम जब कोई नया, मतलब एक नया व्यक्ति, उसके पास आइडियाज तो है, ऐसे लेमैन जब घुसता है तो उसकी बहुत सारी अन्य चिंताएं होती हैं, जैसे कि भाई जो पूरी जो वाणिज्यिक वातावरण में उतरता है, यानी जो कॉमर्शियल एक एटमॉस्फेयर में उसको उतरना है, उसके सबसे पहला चैलेंज होता है कि फंडिंग कहाँ से होनी है, किस तरीके से पैसा इकट्ठा होगा, किस तरीके से हम लोन अगर अप्लाई करते हैं तो प्रोजेक्ट कैसे बनना है, वो प्रोजेक्ट बैंक के पास कैसे जाए, किस तरीके से हमें जो पॉलिसीज गवर्नमेंट द्वारा तैयार है, जैसे कि स्किल इंडिया द्वारा प्रधानमंत्री ने कुछ योजनाएं बना रखी हैं, कई ऐसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए पीएमएफपी स्कीम सिस्टम है, बहुत ज्यादा बातचीत चल रही है, अभी हाल ही में उसको भी लॉन्च किया गया है। तो आई एम सॉरी, दैट इज पीएमएफएमई स्कीम, जिसमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और इसको तवज्जो दी गई है, उन स्टार्टअप्स को तवज्जो दी गई है। तो मैम, ये सारे जो पॉलिसीज हैं, इसको सजा के, ये प्रोजेक्ट बनाने से लेके, फंडिंग से लेके, बैंक लोन से लेके, इसमें इनक्यूबेटर्स और आप जैसे ये जो यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी कैसे हेल्प कर पाती है? उसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि वी आर नॉट अ फंडिंग एजेंसी, सो वी डोंट डायरेक्टली प्रोवाइड फंड्स नेसेसरली, इवन दो एमिटी हैज़ इट्स ओन फंडिंग आर्म। तो अगर कोई प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगता है तो उसमें पॉसिबल है कि वील फंड इट ऑल्सो, लेकिन वी डोंट प्रॉमिस दैट, दैट इज नॉट द बेस लाइन ऑफ द इनक्यूबेटर। सेकेंडली, जो आप, बट डू यू हैव वीसीज लिंक्ड विद योर यस यूनिवर्सिटी जो कि यस उससे इंटरेस्ट ले सकते हैं, जिन तक आप प्रोजेक्ट पहुंचा सकते जी हैं? जी सो वी आर लिंक टू वीसी नेटवर्क्स ओके एंड दैट वी गिव एक्सेस टू आर स्टार्टअप्स। सेकेंडली, जो आप दूसरी बात कह रहे थे, तो वी हेल्प देम प्रिपेयर द पिच डेक, वेदर प्रेजेंटेशंस, प्रेजेंटेशन स्किल्स, सब चीज में सपोर्ट करते हैं। तो दैट इज अ रोल ऑफ द इनक्यूबेटर, वो करते हैं। सो प्रोजेक्ट बनाने से हाँ, लेके आइडिया कैसे लेके करके आए, होगा? आइडिया लेके आएंगे, उसके बाद हम उनको पूरा डेवलप करवाएंगे। राइट, तो राइट फ्रॉम मेकिंग ऑफ प्रोजेक्ट, हाउ टू प्रेजेंट इट, वेयर टू प्रेजेंट इट, व्हिच एजेंसीज टू गो, कहाँ कहाँ से आपको जो पॉलिसी सपोर्ट मिल पा रही है, किन किन जगहों से आपको किक स्टार्ट का कुछ हेल्प मिल रहा है, तो उसका आप पूरा ये प्रोजेक्ट दे रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल जो सपोर्ट कैसे होनी चाहिए, लीगल सपोर्ट आप लोग बता रहे हैं, यानी उसको ऑलमोस्ट सारी जो नॉलेज, जितना जो इनपुट्स हैं वो आप तो प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ में उनको वो गाइडेंस भी दे रहे हैं, वो गाइडलाइंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां जहां वो एप्लीकेशन डाल सकें, जहां जहां वो फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकें। लेकिन डायरेक्टली फंडिंग आप लोग कुछ सीमित आधार पर ही कर सकते हैं, बहुत मतलब सबको आप करने में शायद एमिटी इंटरेस्टेड नहीं होगी। जी, जी तो उसमें एक ये भी है कि गवर्नमेंट की बहुत स्कीम्स हैं, जी तो वी एज अ इनक्यूबेटर फाइंड आउट पहले ही राइट कि राइट ये स्कीम आई है, नई जी स्कीम आई जी है, जी सो देन वी हेल्प आर स्टार्टअप्स, विल टेल देम कि ये एग्रीकल्चर की ये स्कीम आई है, जल्दी से हाँ अप्लाई कर दो, हाँ सही बात या किसी भी जो भी एक स्पेसिफिक जी। वेस्ट मैनेजमेंट की आई है, इसमें अप्लाई कर दो, सो वी हेल्प देम, गाइड देम, तो अवेयरनेस हमारी रहती राइट है। राइट। अच्छा मैम, हाँ 5 साल पूरे हो गए, हाँ बच्चों का आपने गाइड किया, स्टार्टअप शुरुआत हो गई, स्टार्टअप अपने से चल भी रही है सब कुछ, क्या उसके बाद इनक्यूबेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है? वी एक्सपेक्ट देम टू ग्रेजुएट राइट एंड बी ऑन देयर ओन आफ्टर दैट। ओके रिलेशनशिप, कभी कभार अगर वो आते हैं कोई एडवाइस लेने, तो वील ऑलवेज बी देयर, वी बिलीव इन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, राइट सो वी विल बी देयर, बिकॉज़ योर इक्विटी स्टेज, इक्विटी स्टेज थ्रू आउट। तो जब आपके इक्विटी हमेशा है, तो फिर तो मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी आप लोगों की भी बनती है फिर तो, जी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस यस तो उसकी जो मॉनिटरिंग जब आपकी बनती है, तो कहीं ना कहीं अगर 5 साल 6 साल पर भी अगर बच्चा अगर नीचे गिरता है, या जो जैसे स्टार्टअप अगर वो बिजनेस में नीचे आता है, हाँ तो आप लोग क्या उसको फिर से एक्सटर्नल सपोर्ट देते हैं कि भाई इस तरीके से आप इसको रिवाइव कर सकते हैं, या उसको एग्जिट पॉलिसी बताने लगते हैं? एक्चुअली इतना लंबा अभी रहा ही नहीं है वे वी सीन द साइकिल का हैपन, लेकिन
क्योंकि अब यहाँ भी 5-6 साल ही हुए हैं अभी, जी, जी, जी. लेकिन ये है कि वी एक्सपेक्ट टू हैव अ रोल राइट राइट एंड हेल्प देम इफ नीडेड. लेकिन मैम लास्ट सवाल मैं जरूर पूछूंगा, क्योंकि हर एक बिजनेस पनप ही जाएगा, ये जरूरी नहीं है. हाँ. जहां सक्सेस होती है वहां पे फेलियर की भी चांसेस होती है, और इसी को कहीं ना कहीं हम रिस्क एस्टिमेशन की बात करते हैं. जब रिस्क एस्टिमेशन की बात करते हैं तब बहुत जरूरी होता है कि एक बिजनेस को पूरी तरीके से फेल होने से और एक इंसान को कंप्लीटली बैंकरप्ट होने से हम कैसे रोके. ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये अपनी हम लोग की बनती है. हाँ. तो मैम इसको देखते हुए मैं वापस एक पॉइंट पर आऊंगा जो बीच में मैंने कहा था, डू वी ऑल्सो हेल्प देम डिजाइन एंड एग्जिट पॉलिसी, कब बिजनेस से बाहर निकलना है, ये भी हम उनको क्या हम लोग तैयार करते हैं. Yes, from the beginning when we make a business plan, there is an exit strategy, always. Right. And it is always planned and written up, and then we guide them in that direction. Right, ma'am. Thank you so very much. आपने इतने कम समय में बहुत ही खूबसूरती से स्टार्टअप के विषय में और इनक्यूबेटर्स के रोल के विषय में आज आपने हमें बताया. दोस्तों हमारी कोशिश यही है, अगर आप एक नौकरी पाते हैं तो आपका परिवार चलता है, लेकिन अगर आप एक बिजनेस सक्सेसफुली रन करते हैं तो आपके बेस पर कई और परिवार भी उस पर आश्रित हो पाते हैं. कोशिश यही रहती है कि हमारे देश में उद्योग और उद्यम इसी प्रकार से बढ़ती जाए, ताकि लोगों के लिए काम करने के आयाम आप ही के माध्यम से निकले, नौकरी मांगने की जगह नौकरी देने की व्यवस्था बनाए, चलिए एक नया भारत बनाए. इसी बात के साथ आज मैं यही समाप्त करता हूं और चलते हैं शिमुल के पास, एक एंडिंग सपोर्ट भी तो चाहिए होता है. चलिए शिमुल से बात करते हैं. हेलो स्टूडेंट्स, तो ये थी डॉक्टर मीरा सिंह जो कि HOD है स्टार्टअप डिपार्टमेंट की MIT यूनिवर्सिटी लखनऊ की. तो कैसा लगा आपका आज का एपिसोड? आई थिंक कुछ इंटरेस्टिंग जरूर होगा आज, क्योंकि हम लोग जब आप स्टूडेंट्स से मिलने जाते हैं स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, जब हम सेशंस लेते हैं, तब आप ही स्टूडेंट्स हैं जो हमें अपने डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ बताते रहते हैं, और हमें आप ही से पता चलता है कि सर्विस से ज़्यादा आजकल आप लोग इंक्लाइंड है अपने अपने बिजनेस खोलने के लिए. तो इसी के लिए करियर काज में शुभंकर का भी यही प्रयास है कि हम ज़्यादातर आप बच्चों को यही सलाह देते जाए, गाइडेंस प्रॉपर आपको मिलते जाए कि कैसे आपके सोच को हम एक बिजनेस प्लान में लेके आए और एक हंसता खेलता बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके पास आए. तो हाँ, ज़्यादा जानकारी के लिए और डॉक्टर मीरा सिंह जैसी हमारी पैनलिस्ट से साक्षात मिलने के लिए या फिर उनके साथ बातचीत करने के लिए हमें लिखना मत भूलिएगा हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे, और हमारे वेबसाइट जो कि लॉन्च हो चुका है विच इज़ www.careercouch.in, उस पर प्लीज़ जाइए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको हमसे क्या हेल्प चाहिए. हमें खुशी होगी आपको आपके ही आइडियाज़ के ऊपर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए. तो दोस्तों कुछ इसी इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ हम फिर से आएंगे और आपको हेल्प करते रहेंगे. देखना मत भूलिए करियर काउच विद शुभांकर, ओनली ऑन Prime TV एवरी संडे ओनली @9 PM. टेक केयर, बाय बाय.